बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। क्लास सिक्स, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 10, ज्योमेट्री। स्टूडेंट, वी आर डूइंग ज्योमेट्री एंड टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 5। 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गई होगी। टुडे वी आर कंस्ट्रक्ट द एंगल्स। आज हमने क्या करना है, एंगल्स बनाने हैं, बट जस्ट यूजिंग द कंपस। वी डोंट यूज प्रोटेक्टर। ओके, प्रोटेक्टर से नहीं बनाना, कंपस से बनाना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं, कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ फॉलोइंग मेजरमेंट बाय यूजिंग कंपस एंड रूलर। ठीक है, 150 डिग्री का एंगल बनाना है। अब 150 डिग्री का एंगल बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक रे ड्रा करनी है। मैंने क्या किया, एक रे ड्रा कर ली, ए बी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ए बी एक रे ड्रा करें। अब हमने क्या करना है, आपने अपनी कंपस ले लेनी है। कंपस आपने कितनी ओपन करनी है, ये जो ए बी रे है इसके हाफ से कब ओपन करनी है, ठीक है ना। तो मैंने इतना ओपन कर लिया अपना कंपस और इस तरीके से एक सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। अब आपका जो सेंटर है वो ये पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ से जहाँ से आपका सेमी सर्कल शुरू हुआ है, ये पॉइंट आपका सेंटर होगा। आपने अपनी जितनी कंपस ओपन रखी है उतनी ही ओपन रखी है जितने ये सेमी सर्कल के लिए लगाई है। ठीक है, अपनी कंपस को रेडियस चेंज मत करें। ओके, अब यहाँ पर हम रखते हैं, ठीक है, और एक आर्क लगा लेते हैं। ये जो आपकी फर्स्ट आर्क होती है ये 60 डिग्री की होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास ऑटोमेटिकली 60 डिग्री की आर्क आ जाती है। इसके बाद हमने यहीं पे 60 डिग्री पे रख के दूसरी आर्क लगा लेनी है, वो आपके पास हो जाएगी 120 डिग्री। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, 60 डिग्री, 120 डिग्री। अब हमने थर्ड आर्क लगा लेनी है यहाँ पे, थर्ड आर्क जो कि हो जाएगी 180 डिग्री। ठीक हो गया, ये 60 डिग्री की आर्क, ये 120 डिग्री की आर्क और ये 180 डिग्री की आर्क हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो तीन आर्क हो गए। अब हमने 150 डिग्री का एंगल बनाना है तो उसके लिए आप देखिए हमारे पास डिवीजन हुई है कि 120 प्लस 180, इन दोनों का अगर प्लस करें तो 300 आता है। 300 का हाफ 150 डिग्री, यानी कि 120 और 180 डिग्री जो आपके पास है, हमने अगर हम इसको बाइसेक्ट कर लें, ठीक है, 120 डिग्री और 180 डिग्री के मिड में हमारा एंगल आएगा, यानी कि इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा। ये जो 180 का एंगल बन रहा है और 120 का एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल्स का आपका बाइसेक्शन क्या है, 150 डिग्री। तो सबसे आपने, अब आपने क्या करना है, आपने जितनी कंपस ओपन की अगर आप चाहें तो थोड़ी सी एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब आपने ये जो 120 की आर्क लगी है यहाँ पे अपनी कंपस रख के आपने एक आर्क ड्रा कर लेनी है, फिर 180 पे रख के ये जो पॉइंट जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, आपने इस जो इस पॉइंट पर दूसरा अपनी कंपस रख के, आपकी कंपस ने जितना आपने ओपन रखा है उतना ही ओपन रहेगा और आपने दूसरी आर्क लगा ले। अब जहाँ पे ये आर्क इंटरसेक्ट करनी है इसमें से आप एक रे पास कर लें, क्या है वो, बी सी रे। ठीक है, ये हमने पास कर ली, इसका नाम सी दे दिया। अब ये आपका एंगल 150 डिग्री का बन गया, एग्जैक्ट 150 डिग्री है स्टूडेंट्स। अब कंपस से आपने एंगल बनाने के बाद क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है। प्रोटेक्टर को आपने, आपको पता है किस तरीके से आपने इस पर रखना है, यहाँ पे आपने अपना प्रोटेक्टर रख के, ठीक है, बी पॉइंट पे जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, अब आपने चेक करना है आपका एग्जैक्ट ये 150 डिग्री का एंगल बन जाए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, समझ आ गई। इस तरीके से हम विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर अपना एंगल ड्रा करते हैं। डिफरेंट एंगल जो भी आपको गिवन हो, हर एक ही डिफरेंट मेजरमेंट है। अब इसका पार्ट टू करते हैं। पार्ट टू कहते हैं 165 डिग्री का एंगल बनाना है।
तो 165 डिग्री का एंगल स्टूडेंट्स आप कैसे बनाएंगे कि 165 डिग्री 150 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ठीक है। जब आप इन दोनों एंगल्स का हाफ ले लें तो आपके पास क्या आ जाता है 165 डिग्री। तो अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, उसी तरीके से एक रे ड्रा कर ली, मैंने उसको ई एफ का नाम दे दिया, कंपास ओपन की, एक सेमी सर्कल ड्रा किया, फर्स्ट आर्क लगाई इस पॉइंट पे रख के, ये आपका जीरो डिग्री आ जाएगा, जीरो डिग्री से हमने एक आर्क लगाई, ये आर्क आपकी कितनी है, यस 60 डिग्री। दूसरी आर्क आपने 60 पे रख के लगानी है, कितनी है 120 डिग्री, और थर्ड आर्क 180 डिग्री, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये तीन आर्क्स आ गए हैं आपके पास। अब अभी आप भी आपने अब हम क्या करते हैं 150 डिग्री का पहले एंगल ड्रा कर लेते हैं, जो कि आपने अभी ड्रा भी किया था। यहाँ पे आपने 120 पे रख के एक आर्क लगा ली और दूसरी आर्क 180 पे रख के लगा। अब हमने ये वाला जो एंगल 150 का, इसको हमने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, डॉटेड लाइन हम लगा लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें ये एंगल नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन से डिनोट कर दिया और एक रे पास कर ली, 150 का एंगल बन गया। अब 150 और 180 को जब हम इन दो एंगल्स को हम बाइसेक्ट करते हैं तो हमारे पास 165 आता है, यानी इन दोनों का हाफ। अब हाफ के लिए देखिए, इसके लिए आपको एक पॉइंट, ये 150 का जो एंगल बना इसके लिए ये वाला पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। अब ये आपका पॉइंट होगा, आपने यहाँ पे कंपास रख के अपनी एक आर्क लगा लेनी है, ठीक है, ये वाला इस पे, क्योंकि यहाँ से 150 का एंगल बन रहा है, ये वाला पॉइंट आपने ले लेना है और यहाँ पे रख के एक आर्क लगाई और दूसरी आर्क इस पे रख के लगाई 180 डिग्री पे। अब इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, जी को एफ से ज्वाइन कर लिया, ये आपके पास आ गया 165 डिग्री का एंगल आपके पास आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सेकेंड एंगल बन गया 165 डिग्री। आप प्रोटेक्टर से चेक करें, एग्जैक्ट 165 होगा, क्योंकि ये हमें कहते हैं इन दोनों का हाफ जो है 150 180, इसको सम करके इसका जो हाफ आता है वो 165 आता है, तो ये एग्जैक्ट 165 डिग्री का एंगल है। फिर इसके बाद आपके पास कहते हैं 135 डिग्री का एंगल। अब 135 डिग्री का एंगल स्टूडेंट्स आपके पास 90 प्लस 45 डिग्री का एंगल 135 होता है। इसके अलावा आपके पास अगर आप चाहें तो 150 डिग्री से भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, 150 और 120 का हाफ भी आपके पास जो आ जाता है वो 135 आ जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया 90 एंड 45 डिग्री का एंगल बना। अब देखें 90 डिग्री का एंगल आप पहले कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें पहले 90 डिग्री का एंगल चाहिए। एम एन मैंने एक रे ड्रॉ कर ली, फिर उसके बाद अपनी कंपास ओपन कर ली, एम एन के हाफ से कम, यहाँ पे हमने एक सेमी सर्कल ड्रा कर ली। फर्स्ट आर्क आपकी कितनी होती है 60 डिग्री, सेकेंड आर्क आपने 60 पे रख के लगानी है वो कितनी होती है 120 डिग्री। अब हमारे पास हमें पता है कि 160 और 120 इसका हाफ हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन। अब हमने अपनी कंपास 60 पे रख के थोड़ी सी अपनी कंपास ओपन कर लेनी है, या उतनी मेजरमेंट रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपने एक आर्क लगा ली 120 पे रख के, दूसरी आर्क लगा, अब इस एंगल को हमने ज्वाइन कर लिया डॉटेड लाइन से, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें ये एंगल नहीं चाहिए इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन से। अब ये आ गया आपका 90 डिग्री का एंगल। अब ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। अगर स्टूडेंट आप अपनी रे को एक्सटेंड कर लें, ठीक है, अगर आप अपनी रे एक्सटेंड करें और अगर आप इस तरीके से देखें तो यहाँ पे भी आपका ये राइट साइड पे भी 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है ना। तो अब हम क्या करते हैं इस जगह से हम 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो 45 डिग्री 90 का आपके पास क्या होता है, हाफ होता है। अब आपके पास ये चीज़ जो है ये ज़ीरो डिग्री से शुरू हो गई, ठीक है, ज़ीरो, और ये आपके पास जो है था, मतलब हमारे पास 90 डिग्री के लिए हमने पहला अपना जो आपके पास आए वो पॉइंट आपने इसको ले लेना है और एक आर्क लगा लेनी है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे रख के अब ये जो पॉइंट है
ये आपका 0 डिग्री है। इस पॉइंट पे रखते हैं आपके एक आर्क लगाई, दूसरी आर्क आपने इस पॉइंट पे रख के लगानी है स्टूडेंट, ठीक है, या फर्स्ट आर्क आप इस पॉइंट पे रख के लगाएं सेमी सर्कल का ये यहाँ पे जो पॉइंट होता है, और दूसरी आर्क आपने ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे जो ज्वाइन हो रहा है 90 डिग्री, इसको ये आर्क लगी। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ से आप एक रे पास कर लें ओ एन, तो ये आपका एंगल बन गया 135 डिग्री। 135 डिग्री कैसे, पहले 90 डिग्री का एंगल बनाया, 90 प्लस 45 135 आ गया। अब ये जो एंगल है आपके पास ये 45 डिग्री का एंगल है, तो आप इसको आप चेक कर लें प्रोटेक्टर के थ्रू, ये आपका 135 डिग्री का एंगल है। अगर आप चाहें तो आप 150 डिग्री का एंगल बना के उससे भी बाइसेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, फिर 180 की एक आर्क लगाएं, 180 का 120 का हाफ क्या था 150 डिग्री, पहले आप 150 डिग्री का एंगल बना लें, फिर उसके आपके पास पॉइंट आ जाएगा, सेंटर पॉइंट आ जाएगा इस पर, और 120 पे रख के जब आर्क लगाएंगे तब भी आपके पास 135 डिग्री का एंगल बन जाएगा। मैंने यहाँ पे 90 प्लस 45 डिग्री ये दो एंगल्स बनाए, तो ये दोनों मिलके 135 डिग्री का एंगल बन गया। अच्छा जी, अब लास्ट है 105 डिग्री। अब 105 डिग्री आपके पास किस एंगल के इक्वल होता है, 90 प्लस 15 डिग्री को अगर आप ले लें, 19 प्लस 15 आपके पास क्या आ जाता है 105 डिग्री। तो सबसे पहले हमने कौन सा एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, यस 90 डिग्री का एक रे ड्रा कर ली एल एम, सेमी सर्कल ड्रा किया मैंने, ठीक है, सेमी सर्कल के ये जो आपका 0 डिग्री होगा यहाँ पे रख के आपने एक आर्क लगानी है, वो कौन सी आर्क होगी 60 डिग्री की, फिर 60 डिग्री पे रख के दूसरी आर्क लगानी है वो कौन सी होगी 120 डिग्री। अब 120 डिग्री और 60 डिग्री पे रख के आपने आर्क लगा लेनी है, और ये डॉट इसको आपने ज्वाइन कर लेना, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये देखिए ये 60 से 120 अगर हम 90 को करें तो ये 30 डिग्री आता है, ठीक हो गया। अब आपके पास यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास 60 से 120 है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है कि 90 के बाद हमने 15 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, ठीक है, 15 डिग्री का एंगल, यानी कि ये जो आपका पॉइंट आएगा देखिए 60 और 90, ये दोनों आपके पास 30 हैं, और अगर इन दोनों का आप हाफ कर लें इस पॉइंट का, तो इसका हाफ आपके पास क्या आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री यहाँ पे, 30 डिग्री यहाँ पे, तो हमने क्या किया, सॉरी 15 डिग्री यहाँ पे, 15 डिग्री यहाँ पे, ये आपका 30 डिग्री हमने इन दोनों को बाइसेक्ट कर लेना है, 90 और 130 डिग्री पे हमने 120 डिग्री पे एंगल बनाना है। अब 90 पे रख के आपने एक आर्क लगा ली स्टूडेंट्स, और 120 पे रख के दूसरी आर्क लगा ली। अब जहाँ ये आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपने इसको ज्वाइन कर लेना है एम के साथ, ठीक है, पास कर लेनी है एक रे इसमें से, तो एन एम। अब ये एंगल आपका कितना बन गया 105 डिग्री का, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए ये 60 डिग्री, 60 से यहाँ पे आपके पास ये 90 डिग्री और ये 20 डिग्री। अब आपके पास 90 से 20 डिग्री जो है स्टूडेंट 30 आपके पास यहाँ पे आपके पास आ गया 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री ठीक है। अब 30 का हमने इसको हाफ किया है, ठीक है, इस दोनों को हमने बाइसेक्ट कर लिए, यहाँ पे 90 और 120 को हमने इस तरीके से हमने यहाँ पे कंपास अपनी ओपन करके आर्क लगा ली, तो ये आपका 105 डिग्री का एंगल ड्रा हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको समझ आ गई 90 डिग्री का एंगल बना के हमने 115 डिग्री का एंगल फर्दर बना ली। अगर आप चाहें तो आपके पास सेकेंड मेथड ये हो सकता है कि आप दोबारा से सेमी सर्कल यहाँ से एक आर्क सेमी सर्कल ड्रा कर लें, ठीक है, इसको 0 रेडियस रख दें। अब हम यहाँ से अगर आर्क लगा लें तो पहली आर्क 60 दूसरी 120। अब 60 आपको पता है 60 का हाफ 30 होता है,
ठीक है। और 30 का हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उससे भी हम 15 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया 19 + 15 105 डिग्री का एंगल हमने इस तरीके से बना लिया। तो ये आपका आ गया 105 डिग्री का एंगल, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये चारों एंगल्स हमने बनाए हैं विद यूजिंग कंपास, वी हैवंट यूज प्रोटेक्टर। आपने भी इसी तरीके से अपना कंपास ओपन करके आर्क्स लगानी है, पहली 60 दूसरी 120, जो आपको एंगल्स गिवन है उसके मुताबिक आपने बाइसेक्शन करना है और अपने एंगल्स ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है गुड स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर कोई इशू हो तो यू कैन मैसेज अस, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।